अभी तारिक हमीद करा साहब हमारे अब नए एमएलए हैं, उनसे आपकी क्या अपील रही? जी, हमारे करा साहब से यही गुजारिश है कि शार्क टैंक के लोगों के लिए नजरसानी करे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 2024 असेंबली इंतखाबात इख्तिताम को पहुंचे हैं और सेंट्रल शार्क टैंक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस के सीनियर लीडर जनाब तारिक हमीद कर्रा साहब मुंतखब हुए हैं। अवामी मसाइल सेंट्रल शार्क टैंक से सीरीज के लिए हमारी टीम सेंट्रल शार्क टैंक के इलाके में गई, जहां हमने वहां के मुकामी बाशिंदों से बात की और उनके मसाइल जानने की कोशिश की। ये इस सीरीज का दूसरा एपिसोड है। हमें उम्मीद है पीएनएन की कोशिशों से अवाम के मसाइल आला हुकाम तक पहुंचेंगे। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हम आए हैं शार्क टैंक चौक में, जहां हम लोगों से उनके मामलात और मसाइल जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हमारे नए एमएलए शार्क टैंक कॉन्स्टिट्यूएंसी के तारिक हमीद करा साहब है, तो लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद है उनसे है। नाज़रीन, इस समय हम शार्क टैंक के बीचों बीच खड़े हैं, जहाँ पे हमारे साथ एक हाजी साहब जुड़े हैं। आइए इनसे भी जाने यहाँ के मसाइल क्या है। मसाइल यहाँ है, ये जो फोरवे है यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, ये लोग जहाँ यहाँ रश ज्यादा रहता है 24 घंटे, ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। यहाँ फ्लाई ओवर होना चाहिए जरूरी, फ्लाई ओवर की यहाँ अशद जरूरत है, क्योंकि एक्सीडेंट का अंदेशा ज्यादा रहता है यहाँ, क्योंकि यहाँ जो ट्रैफिक है यहाँ 12 मिनट ट्रैफिक यही है, यहाँ तक उड़ी तक यही ट्रैफिक है, यहाँ मणिपुर ऐसे ट्रैफिक है, यहाँ लद्दाख तक भी यहाँ ट्रैफिक है, लिहाजा यहाँ फ्लाई ओवर होना जरूरी है, मस्त होना चाहिए। नाज़रीन, ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे एक फ्लाई ओवर तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक कितना जाम रहता है। सुबह 10 बजे की बात करें या शाम को 3 बजे, जब सारे लोग अपने काम पे जाते हैं या काम से वापस आते हैं, तो काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम यहाँ पे देखने को मिलता है। कई इलाकों से ये शार्क टैंक मोड सड़कों को यहाँ पे कनेक्ट करता है। तो हम यहाँ से इनसे ये भी जानेंगे, अब तारिक करा साहब हमारे नए एमएलए हैं, तो आपको लगता है वो इस मसाइल को हल कर पाएंगे? करा साहब, आप उनसे भी उम्मीद रखते हैं कि अगर शायद वो भी कुछ करे और यहाँ फ्लाई ओवर बने, तो और मैं आपसे हमसे हमारी ये अपील है, खासकर इस इलाके की अपील है कि यहाँ ये फ्लाई ओवर होना जरूरी है, क्योंकि जिससे इंसान को राहत मिले, इस इलाके को राहत मिले, इस इलाके को ही नहीं है, समझो कि उड़ी तक या बारामूला तक या सोपोर तक जो लोग हैं उनको भी राहत नसीब हो। तो क्या मसाइल गुड़गे सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मसले अब रोड में बनोमुत बना बच्चे नबर ना तल ड्रेन ये मेन पाइप तल अब बड़ी बड़ी ट्रक लक्ट गाड़ी कह एतराज कल बन मगर रोड ना कुल अच्छा मुश्किल ये नबर नचन सरकार कर अपील अच्छी थानस पे लिखित मगर तुम दिन एक्शन कहें तमिक आर्डर चंदस आर्डर तुम बिल्कुल बिल्कुल अगर तुम वो बहुत हाँ तुम आर्डर तक मगर अच्छे कहान गौर करा ये ना बच्चन नबर नोटल तमो बनो मतलब अच्छे कह एतराज मतलब कतल बनो मगर रोड से कुने अपील गवर्नमेंट ट्रक ट्रक रुको डिपर रुको ये नए एमएलए आमित तारिक हमीद करा साहब, तुम बसा तुम हेकन मसाइल हल कर नाज़रीन। इस समय हम शार्क टैंक के बीचों बीच खड़े हैं, हमारे साथ यहाँ पे एक ऑटो रिक्शा वाले खड़े हैं, आइए इनसे जाने यहाँ के मसाइल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो उसमें ट्रैफिक होता जाम से फ्लाईओवर आसल अस्ति कैसे आ सही शर्त या रात को जना एक्सीडेंट सो तुमसे ऑन स्पॉट डेथ हो वजह कि अगर फ्लाईओवर आ एक्सीडेंट ये जाम गसान कहें प्रॉब्लम अमस लकन ग करा मुतालब गवर्नमेंट मेहरबानी कर जल्द से जल्द फ्लाईओवर इंतजाम ट्रैफिक जाम तुम्हें पान तुम्हें वह कौन ट्रैफिक जाम घंटे वाद लगान कंस ड्यूटी वक्त कैसे वक्त
کم از کم گھنٹہ زہ گھنٹہ لگان جو تھی کہ پان وچ جام کتا انسان کیا کرے کراس یت کر کراس نہ چن ہکان کر جناب کہین وہ سرکار سے اپیل کر مہربانی کر اگر فلائی اوور ترس گئی مہربانی اس پہ اس آزاد ٹریفک کتا جام گھنٹہ لگان رات تہ گئی یہ کت وا رات تہ گئی ایکسیڈنٹ تمس گئی آن سپاٹ بچارس ڈیتھ طارق حمید کرا صاحب تم چھو اس نئے ایم ایل اے تہ تہ چھو باسا تم ہیکن یہ مسئلہ حل کرتھ انشاء اللہ چھو امید کرمس تم سی پیٹھ چھس امید تم جان بروتی ہت واریہ کام کرمس انشاء اللہ طارق حمید صاحب کرا صاحب اس پیٹھ صحیح اس نو آز کیا زی اسا کرے یہ صحیح سون کام کرے بھرپور شکریہ ناظرین عوامی مسائل کے ساتھ سینٹرل شارٹنگ سری نگر میں ہمارا یہ سفر اگلے ایپیسوڈ کے لیے جاری رہے گا تب تک کے لیے دیجیے اجازت شاداب عالم پی این این